गोरखपुर प्राइवेट चिकित्सा संगठन के वार्षिक वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन सिविल लाइन स्थित एक होटल में किया गया। संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल के अलावा संगठन के अध्यक्ष डॉ. नदीम अरशद, सचिव डॉ. स्मिता जायसवाल के अलावा डॉ. ए. पी. शाही, डॉ. पंकज अग्रवाल सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। संगोष्ठी में मधुमेह रोग मरीजों और चिकित्सकों में संवाद तथा विभिन्न बीमारियों के इलाज के आधुनिक सिद्धांतों पर चर्चा की गई। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए गोरखपुर प्राइवेट चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉ. नदीम अरशद व सचिव डॉक्टर स्मिता जायसवाल ने बताया। कुकिंग के तौर पे या बटर या ट्रांस फैट कैलोरी इनटेक अच्छा है, तो ये जितने भी हमारे कन्फेक्शनरी आइटम हैं ये एक कैलोरी रिच होते हैं और हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल होंगे बनस्पत की अगर हम फ्रूट्स लें। तो खाने के 3-4 घंटे बाद फ्रूट्स लें, उसमें भी अगर हम उसका ग्लाइसेमिक एक्सकर्शन कम कर पाएं कि उससे तेजी से शुगर स्पाइक के रूप में ना बढ़े, तो उसके साथ में हमें फाइबर रिच मटेरियल जोड़ दें लाइक दालें। तो अगर हम दाल, भुना चना, उबला चना, अंकुरित दाल, अंकुरित चना, अगर हम उसको एक कॉम्बो बना लें, फल और दाल चना हमने ले लिया खाने के 3-4 घंटे बाद, प्रोटीन इनटेक बढ़ गया, फ्रूट्स में विटामिन मिनरल फाइबर बढ़ गए, छुरा भी शांत हो गए और ग्लाइसेमिक एक्सकर्शन भी उस दाल चने के फाइबर के कारण से कम हो गए। तो इस तरह से हम दोनों का एक कॉम्बिनेशन लेके और फ्रूट से रिलेटेड जो नुकसान है उसको कम कर सकते हैं। नुकसान नहीं है, ऑन द होल तो ये फायदा ही है। हम उसको उस वक्त ले रहे हैं जब हमें कैलोरीज की वास्तव में जरूरत है। रोटी भी हम समझते हैं तो कौन सा हमने जुर्म डाल दिया, एक केला खा के और उसके अपोजिट अगर हमने एक गुलाब जामुन खाए, 4 रोटी, एक खोई की बर्फी खाई, 5 या 6 रोटी, एक समोसा खाया, 4 रोटी, कढ़ी बनाई, कढ़ी की छोटी छोटी पकौड़ियाँ, एक एक पकौड़ी, एक एक रोटी, डॉक्टर हम तो कुछ खाते ही नहीं, पता नहीं क्या हमारा वेट बढ़ता जा रहा है। हर एक का स्टेटमेंट ये होता है, 2 फुलके सुबह खाती हूँ, 2 फुलके शाम खाती हूँ और कैसे क्या करूँगी, है फिर भी वेट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम अपनी डाइट में हम केवल फुलका भी नहीं, हमने दाल में जो घी डाला वो नहीं गिना, सब्जी में जो तेल डाला वो नहीं गिना, रोटी की जगह पराठा बनाया बिना फुलके में ही। जैसे ये बात वही हो गई कि हमने एक नोट लिया था केवल, अब नोट किसका था, वो 50-100 का था, 500 का था या 2000 का था, एक ही नोट था। तो ये जो हमारी चीजें हैं ये कैलोरीरिक चीजें जो है, जो फैट, फैट के साथ एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है फैट इनटेक। जब भी हम डाइट में फैट इंक्लूड करते हैं तो फूड बिकम्स टेस्टी एंड इट इंक्रीज ऑटोमेशन, उसके बाद खाना और अच्छा लगता है, हम और क्योंकि फिर वो और अच्छा लगता है। ये हमारी वार्षिक कार्यशाला है जिसमें हम वैज्ञानिक संगोष्ठी कभी कहते हैं इसको, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे अपने स्पीकर्स बाहर से बुलाते हैं, वो अलग अलग टॉपिक्स पे बोलते हैं और हम हमारे सारे जितने भी सदस्य हैं उनका ज्ञानवर्धन करते हैं। आज के 3 मेन टॉपिक हैं, एक तो डायबिटीज़ पे है जो कि हमारा इंटरैक्टिव सेशन है, दूसरा हमारा कम्युनिकेशन मेडिकल साइंस, मतलब मरीज़ों से किस तरह से बात करना चाहिए, किस तरह से आप अपनी बात उनको कम्युनिकेट करें जिससे वो भी समझे और मरीज़ भी डॉक्टर की बात समझे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और तीसरा मल्टीपल मायलोमा पे है। नहीं, यूपी से, देश से ही हैं। एक हमारे स्पीकर आ रहे हैं गाज़ियाबाद से आए हैं, एक पटना से आए हैं और एक हमारे स्पीकर जो है लखनऊ से आए हैं। नहीं नहीं, तीनों टॉपिक्स अपनी जगह पे तीनों ही इम्पोर्टेंट है। कार्यशाला के जो उद्देश्य है, एक्चुअली हर साल जीपी एसोसिएशन जो है, जो भी डॉक्टर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं उसकी एक एसोसिएशन है जिसका नाम है जीपी एसोसिएशन। ये हर साल अपने डॉक्टरों के लिए, अपने मेंबर्स के लिए एक कार्यशाला आयोजित करती है जिससे जो बाहर से स्पीकर्स हम लोग बुलाते हैं और डिफरेंट बीमारी पर इसकी बात होती है कि किन किन विषयों पर होती है, उससे ये होता है कि यहाँ के जो चिकित्सक हैं उससे लाभान्वित होते हैं। और उनका मेन उद्देश्य है कि पहले चिकित्सक अपनी नई बीमारी के बारे में जानेंगे, नया ट्रीटमेंट जानेंगे जिससे अपने मरीजों का अच्छा इलाज कर पाएंगे। इसी पर्पज़ के लिए इस साल भी हमने ये कार्यशाला का आयोजित किया गया। इसमें 3 स्पीकर हम लोगों ने बुलाए हैं। सबसे पहले स्पीकर डायबिटीज़ के बारे में बता रहे हैं जो भी चल रहा है,
दूसरा स्पीकर कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताएंगे, और तीसरा एक मल्टीपल माइलोमा होता है, एक तरह का कैंसर होता है, उसके बारे में अपना व्याख्यान देंगे। इससे हम लोग जितने भी हमारे जी पी स्टूडेंट के मेंबर हैं इसके बारे में जानेंगे, नए नए शोध को ये बताएंगे, और उससे वो भी लाभान्वित होंगे, और उससे ज़्यादा चूँकि ये मरीज़ों का इसका उल्टा असर सीधा असर पड़ता है कि हम लोग मरीज़ों को इस ज्ञान को अच्छा ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे।